एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद, ये मस्त नज़ारा सीन देखने के बाद, हम लोग वापस थोड़े वीडियोज़ निकाले, फ़ोटोज़ शूट किया सब, और अभी हम लोग निकल रहे आगे मेन जो अट्रैक्शन और आज का डेस्टिनेशन था उधर। क्या कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया ब्रो, इसका भी आ गया, श्रेयस का भी आ गया, शुभम का भी आ गया, सॉरी ऐसे सब तीनों एस पे, श्रेया शुभम शील माँ की आँख। हमने लोग उधर मस्त फोटोज़ निकाल रहे हैं, तो फोटोज भी गूगल ड्राइव वगैरह पे आ ही जाएगा ऑफकोर्स। तो ये सब फोटोग्राफर थे इधर के, अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर वरद बैडस बाइकर, ये तेजस डबल अपना सेल्फी मास्टर है तेजस, और वो प्रथम है जिराफ उधर। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड आज वापस संडे है, सो संडे राइड, एंड वी हैव दिस इज़ द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, हमारा फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ राइड रहता ही है, वी ट्राई टू कम्प्लीट द राइड्स विद इन फर्स्ट 15 डेज, क्योंकि उसके बाद सैलरी तो वैसे बचती ही नहीं है, वैसे फर्स्ट डे पे ही चली जाती है ई एम आईज वगैरह की वजह से। बट येस, दिस इज़ द फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ, एंड टुडे वी आर गोइंग टू वन ऑफ द मोस्ट सीनिक रूट्स, दैट इज़ वरांदा घाट। तो वरांदा घाट वॉज क्लोज फॉर सम टाइम नाउ, बट अभी मैप्स पे देखा तो चालू हो गया है, सो वी आर गोइंग गो देयर थ्रू वरांदा घाट। एंड द मेन अट्रैक्शन फॉर टुडे इज शिवतरगल, एंड उधर बहुत टाइम से जाने का मन था, बट what happened was, like I said, Varanda Ghat was closed, so हम लोग को पूरा गोल घूम के दूसरे साइड से जाना पड़ा रहा था, बट आई डोंट नो दैट द अदर रूट इज़ नॉट एज सीनिक एज द Varanda Ghat वन। तो ये भोर से आगे राइट लेके वी विल गो टूवर्ड्स Varanda Ghat, एंड Varanda Ghat से आगे थोड़ा 10 किलोमीटर आगे शिवतरगल है, एंड इट हैज़ बीन ऑन आर विश लिस्ट फ्रॉम अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम, एंड फाइनली आज मौका मिल रहा है, हम लोग तो उधर जाएंगे एंड एज यूजल मस्त मज़े करेंगे। एंड द यूजल थिंग दैट इज देयर इज रूट्स वगैरह का, इतना तो ऑब्वियसली आई वॉन्ट टेक आउट दैट मच फुटेज, बट येस Varanda Ghat जब भी पहुँचे बोर के आगे, जैसे हम लोग पहुँचेंगे आई विल स्विच ऑन माई कैमरा, या कुछ अच्छा कुछ ऐसे दिखा देना स्विच ऑन माई कैमरा, बट फिलहाल आई विल बी स्विचिंग ऑन माई कैमरा डायरेक्टली एट द मीटअप पॉइंट। अभी तो मैं कैमरा भी माउंट नहीं कर रहा हूँ, माउंट होगा डायरेक्टली मीटअप पॉइंट पर, बिकॉज द सिटी राइड्स वगैरह, आई मीन सिटी से जाके जाने का और शूट करने का कुछ फ़ायदा नहीं है, देर इज़ ऑलरेडी मच ऑफ डार्कनेस आउटसाइड, ऑल्सो दिल में भी है वैसे, बट डार्कनेस आउटसाइड, सो उससे अच्छा मैं उधर जैसे मीटअप पॉइंट पे आएंगे, वी आर गोना डू अ ब्रीफिंग में हम लोग सिखाते हैं, नॉट सिखाते बट वी इन द ब्रीफिंग वी हैव दी स्मॉल थिंग्स विच हैज़ टू बी टेकन केयर ऑफ वाइल राइडिंग, सो वी विल ब्रीफ द राइडर्स अबाउट दैट, एंड दैट इज़ द यूजुअल थिंग दैट वी डू, एंड उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे टूवर्ड्स शिवतरगल। वी आर, इट इज़ hardly 100 kilometers from the meter point. The meter point is in Ambegaon, and that is Engineer's Chai, very famous point in Pune, Engineer's Chai, because udhar se highway chalu hota hai, so bikers, and then towards that side Satara Bhor side, so bikers usually udhar meet karte hain, then they go ahead, and yes, it's a really good place as well. So we are going to go there, and uske baad we'll meet you at Shivdargal as well. See you. वीडियो चालू है, हाँ नहीं नहीं इट्स ओके, लाइन अप इज ऑलरेडी एंड नाउ वी आर ऑन आर वे टू Varanda Ghat शिवतरगल। ये तो आपने देखा ही रहेगा इतना, शुभम को ये वर्ड नहीं पसंद है, नज़ारा, क्या सुंदर नज़ारा है, वो एकदम इरिटेट हो गया था, बट वही आगे लेके मैं चलते हो, नज़ारा बहुत सुंदर नज़ारा है ये।
एक छोटा सा ब्रेक लेने के बाद ये मस्त नज़ारा सीन देखने के बाद हम लोग वापस थोड़े वीडियोस निकाले, फ़ोटोज़ शूट किया सब, और अभी हम लोग निकल रहे आगे मेन जो अट्रैक्शन और आज का डेस्टिनेशन था उधर, दैट इज़ शिवतरगल। और अभी गार्ड सेक्शन चालू होगा तो उसने अरे दे दिया उसने गो सिग्नल, तो हम लोग अभी जाएंगे आगे। इधर शिवतरगल पहुंच गए हैं, वाटरफॉल उधर दबदबा दिख रहा है, तो एग्जैक्टली अभी श्रेयस बंदर भी इधर आ गया है, तो श्रेयस अभी बोलेगा एग्जैक्टली इधर है क्या। तो श्रेयस ओके, तो ये जगह फेमस है, रामदास स्वामी करके एक बहुत बड़े एक संत थे, उन्होंने यहाँ पे आके दासबोध नाम का एक हिंदू रिलीजन में एक बहुत बड़ा ग्रंथ है वो इधर के पहाड़ों में आके उन्होंने लिखा था, तो इस चीज़ के लिए ये जगह फेमस है और बहुत सीनिक लोकेशन है और बहुत पहाड़ों के बीच बसा हुआ है और बहुत अच्छा वाटरफॉल भी है, इसलिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसका प्लेस के हिस्ट्री के बारे में और समझेंगे आगे जाकर। यहाँ पे दिया हुआ है काफ़ी, लेट्स सी, एंजॉय करेंगे आगे। तो जैसे इसने बताया कि इधर बहुत मतलब बहुत कुछ इधर हिस्ट्री हिस्टोरिकल प्लेस है जहाँ पे आए, एंड इट इज़ वेरी सीनिक एज वेल। और ये हमारे बाइक्स इधर ऐसे ही मस्त लगे हुए हैं, ये दबदबा है एंड ये अपना शिवतरगल जैसे आप देख रहे हो इधर, एंड दैट इज़ द मूर्ति आउट देयर, एंड वो है अपना स्टॉप इधर, आगे दिखेगा नहीं, इसमें दिख भी नहीं रहा है बट वो उधर ही है स्टॉप। सांप उधर ही रहता है एवरी टाइम, एंड मालूम नहीं वो सांप है या क्या है बट लोग बोल रहे कि वो सांप ही है, तो लेट्स सी एग्जैक्टली क्या है वो। वैसे तो इसमें कैमरा में तो आएगा नहीं, आगे बढ़ते हैं एंड दिस इज शिवतरगल। इट्स कोल्ड आउट हियर, इट इज़ गुड, एंड दबदबा उधर है वो अपना दबदबा, दबदबा जाने के लिए बंद किया है अभी रास्ता, नहीं तो फिर उधर मस्त गए रहते, थोड़ा पानी वानी मारेगा तो मुँह पे, बट इट्स ओके, इधर लिखा है फ्री समर्थ सेवा। सिग्निफिकेंस बाद में हम लोग श्रेयस से वापस पूछेंगे एग्जैक्टली सिग्निफिकेंस है क्या, एंड फिर इसको मस्त यूट्यूब पे डाल देंगे, फिर मस्त आएगा फोटो। अपने लोग उधर मस्त फ़ोटोज़ निकाल रहे हैं, तो फ़ोटोज़ भी गूगल ड्राइव वगैरह पे आ ही जाएगा ऑफ कोर्स। तो ये सब फोटोग्राफर्स है इधर के, अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर वरद बैडस बाइकर, ये तेजस डबल अपना सेल्फी मास्टर है तेजस, और वो प्रथम है जिराफ उधर। तो इधर से आपको वापस दिखा देते हैं हम लोग मस्त सुंदर नज़ारा, एंड ये ऑफ कोर्स सिनेमाटोग्राफर, और मैं सिर्फ व्लॉगर हूँ, मैं मी कमिंग फ्रॉम विलेज एरिया, वेरी लो लाइफ, मुझे कुछ आता नहीं है, मैं कुछ नहीं आता मुझे, मैं सिर्फ ऐसे ही बड़बड़ करते रहता हूँ, पंजाबी का भी ऊपर का लेवल का बंदा है ये, मुझे कुछ नहीं आता है, वो तो ऐसे ही मजाक उड़ा रहे मेरी खींच रहे अभी क्या बोल। इधर हमारा नाश्ता भी हो गया है, वी आर राइट अपोजिट द शिवतरगल, तो इधर उनका ही मस्त रेस्टोरेंट है, केकड़ा भजी वगैरह मस्त मिलता है, कोकम शरबत एंड ऑल्सो ताक, टू गुड, इधर ट्राई करना चाहिए इधर आके। एंड ये सब अभी हम लोग गियर अप हो रहे हैं, एंड आफ्टर गियरिंग अप वी आर गोइंग टू मूव टू आई मीन बैक होम, बट उसके पहले मे बी हाईवे पे वी विल वेट फॉर सम फूड स्नैक्स वगैरह जो है वो खाएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एंड इधर का ये मतलब
कर रहे हैं उसके बाद. अभी तो मैं मेरा कैमरा अंदर ही डालने वाला डायरेक्टली अभी व्लॉग एंड करने के समय का, बिकॉज द रोड्स आर गोइंग टू बी द सेम, तो इसलिए. एंड ये अपना एम सी ठोकिया, ही इज़ गोइंग टू व्लॉग लेटर ऑन नेक्स्ट राइड से, क्योंकि ये फर्स्ट राइड है उसका, इसलिए मैंने बोला कि एक राइड तू देख ले व्लॉगिंग कैसे होता है, उसके बाद नेक्स्ट राइड से वो करेगा. ओके सर. Right beside me in the phantom off that Molly, yeah, yeah.